नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। किसान आंदोलन के समर्थन में किसान यात्रा की शुरुआत करने कन्नौज जा रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। प्रशासन ने इससे पहले अखिलेश यादव को कन्नौज जाने से रोकने के लिए उनके लखनऊ स्थित आवास के बाहर बैरिकेडिंग की थी, जिसके बाद अखिलेश पास में ही धरने पर बैठ गए थे, लेकिन अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने एसपी सुप्रीमो के साथ कुछ कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया है। अखिलेश का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया है। अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद इको गार्डन भेजा जा रहा है, जहां उन्हें कस्टडी में रखा जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले तमाम विरोध के बावजूद अखिलेश यादव कन्नौज के लिए पैदल ही रवाना हो रहे थे और उसके बाद सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर किसानों के लिए बने कानून से किसान खुश नहीं है तो फिर सरकार इन्हें वापस ले। किसानों की आवाज को सरकार नहीं सुन रही। वहीं समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को किसान यात्रा रोकने की कड़ी निंदा की है। एसपी ने कहा, अन्नदाता से अन्याय के खिलाफ अंतिम सांस तक समाजवादी संघर्ष करते रहेंगे। किसान यात्रा को रोकने के लिए दमन की हर सीमा पार कर रही है सत्ता। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा कि किसानों की आवाज बुलंद करने निकले राष्ट्रीय अध्यक्ष को असंवैधानिक तरीके से सीएम के आदेश पर रोका जाना घोर निंदनीय है। इससे पहले प्रशासन ने कहा था कि किसान यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है। प्रशासन ने कई एसपी नेताओं को हिरासत में लेने के साथ ही विक्रमादित्य मार्ग को सील कर दिया था। इसके लिए कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला दिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।